शेख साहब बकरियाँ लेके आया है। शेख साहब क्या हाल है? हमने तो बताया ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। घर पे था कासिम भाई, कॉल आई, वो कहता है बाहर खुई की तरफ आओ, वीडियो वगैरह कोई बनानी है। वो अभी उसकी तरफ ही जा रहा हूँ। सामने अदिल भाई का घर है, वो गुजर गया है, पता नहीं वो क्या कर रहा है। थोड़ा सा उसके पास भी जाते हैं, चेक करते हैं क्या कर रहा है। माशाल्लाह जी, शेख साहब बकरियाँ लेके आए हैं। शेख साहब क्या हाल है? ये आप नया कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं? जी माशाल्लाह, माशाल्लाह अच्छी बात है, अल्लाह पाक कामयाब करे। शुक्र मेला है बस। अच्छी बात है, अच्छी बात। तीसरी भी है ना? एक और तो तीन हो गया ना, कितनी हो गया? कितनी हैं सारियाँ? त्रे होन के दो होन? कासिम भाई कल मंडी से बकरियाँ लेके आया हूँ मैं। अच्छा, कितनी लाई हैं? ये तीन है। कितने की लाई हैं? ये बनी है जी 70,000 रुपए की। 70,000 की? जी जी यार, ये 70,000 की एक अच्छी गाय मिल जाती है, आप उससे सारा दिन दूध पीते हैं। ये वाली जो है ना, ये वाली हाँ। ये 15,000 की है। हाँ। वो 25,000 की है और ये 30,000 की है। इतने पैसों में आपको एक अच्छी गाय मिल जाती है जिससे आप खुद भी दूध पीते और सुबह बेचते भी और उसका खर्चा भी निकालते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ये अच्छी है ना, ये देखना अभी क्या करोगे। ये अभी ना इसका अभी जो है ना वो बच्चे होंगे अभी। तुम्हारा कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? अच्छा, बच्चे देगा फिर। फिर उसके बाद? उसके बाद हम बाल्टे खाएंगे। ओह माय गॉड। अच्छा, ताजा मैं नहीं खाता, मैं नाश्ता कर गया। ताजे ताजे बाल्टे आ गए हैं जी, छोटू लेके आया है। रेट बहुत महंगा था बकरियों का, ईद तक बड़ी ईद तक ना तैयार हो जाएंगी, फिर मैं बेचूंगा इनको। क्या सोच है रे तेरी, कैसा आइडिया है? अच्छा आइडिया, बिकेंगी सही है ना? बिकेंगी, क्यों नहीं बिकेंगी, इंशाल्लाह जरूर बिकेंगी। क्या हाल है? ठीक हो? हाँ जी, की हो रहा है? कासिम भाई, ये बकरियां मेरी नहीं थी, आदिल भाई की थी। मैं वैसे ही आपके साथ गपशप लगा रहा था। अच्छा, तभी मैं कहूँ यार, इतना दबाव आपके पास कैसे आया? गजब बेइज्जती है। आप तो यही पागल से बंदे। कंट्रोल जो है ना, वो इतनी इन्वेस्टमेंट किधर कर सकते हैं, आपके पास इतना दिमाग के तरह की बकरियां लें, और ये तो पागल बंदे का काम है बकरियां लें। उसका काम है, जो समझदार बंदा होता है उसका काम होता है वो गाय लेता है, दूध पीता है। अभी सर्दियां आ रही हैं, वो घी मक्खन जमा करता है आगे, फिर उसे ताकत हासिल करता है, फिर उसको बाद में बेच के फिर दोबारा से उसको बच्चा होता है, फिर उसको बड़ा करके देता है। ये बकरियाँ ये मर जाएंगी, गर्मियाँ ऐसी। क्या बोला तूने? गर्मियाँ ऐसी, इसकी केयर भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल इतना नहीं, ये बस ये भी काफ़ी अच्छी है, भरी ईद तक ना अगर ये एक कहीं तो ये काफ़ी अच्छा रेट करेंगे। अच्छा, अच्छी बात है। बरन मुझे नहीं लगा था कि आप खरीद सकते हैं। बस मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा अगर आप खरीद सकते तो आप कोई गाय खरीदते हैं, आप बकरियां नहीं खरीद सकते, आपका इतना छोटा ज़हन नहीं हो सकता। अभी चलते हैं कोई पे वीडियो वगैरह बनाते हैं। ट्रक जो है वो सारे काट दिए हैं, वो अभी मौसम सर्दियों का है ना, तो वो धूप में बैठने के लिए वो सारा उसकी छांट काट दिए। कासिम भाई जो है वो अभी रिहर्सल कर रहे हैं, जो स्क्रिप्ट है वो याद कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, वो जब याद कर लेंगे तो फिर मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। अभी वो थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट याद कर रहे हैं तो फिर बनाते हैं वीडियो उसकी। यहाँ पे पहले ये काफ़ी ज़्यादा दरख्त जो है वो लगे हुए थे, अभी मौसम जो है वो सर्दी का है तो उन्होंने जो है वो ऊपर से काट दिए हैं। कासिम भाई की मैंने जो वीडियो है वो शूट कर ली थी, अभी वो अपने मोबाइल में वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं। चलता हूँ घर और नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, अजान का टाइम हो गया है, फिर नमाज़ पढ़ के खाना वगैरह खाएंगे, तो फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। कितना ना है? 650 रुपये ना ना। हाँ। की करना है, उधर नहीं यार, वो तो बहुत बताया ना। अब
लास्ट फाइनल फाइनल। चूचे वाला आया था मगर उससे बात नहीं बनी, वो पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहा था। मैंने पहले 1500 बोला, उसने 3000, फिर वो 2500 बोला, मैंने 2000, फिर बात नहीं बनी, वो चला गया। बाहर ही बैठा हुआ था शेख साहब के पास, अभी चलता हूँ घर। शेख साहब को बोला, मैंने बोला बैठक में आओ, मैं अकेला हूँ। वो कहता है मैं घर से नहा धो के फ्रेश होके आता हूँ, अभी चलता हूँ घर। ये शेख साहब ने किन्नू दिए हैं माल्टे, ये घर में जाके इतना खाता हूँ। शेख साहब आए तो फिर गप शप लगाते हैं। ओके शेख साहब, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये किन्नू जो है ये शेख साहब के घर में लगे हुए थे, उसने घर से ला के दिए, चेक करते हैं किस तरह के होम ब्रीड ये। मीठे मीठे। मैं घर वापस आ गया था, अभी नमाज का टाइम हो गया, नमाज वगैरह पढ़ते हैं। कासिम भाई भी कहता है मैं घर से होके आता हूँ, फिर बैठक में वीडियो वगैरह एडिट करते हैं। अभी नमाज पढ़ता हूँ, उतनी देर में कासिम भाई भी आ जाएगा। उसकी जो वीडियो रिकॉर्ड की थी वो मेरा मोबाइल में उसने की थी, तो वो मैं अभी थोड़ी बहुत एडिट कर रहा हूँ, इतनी देर में वो भी आ जाएगा। अभी नमाज पढ़ता हूँ। टी टाइम जी, अभी चाय पीने का टाइम हो गया है। ये दोनों लगे हुए हैं दिमाग खराब कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप ओए? यार लड़ रहे हैं, सेल्स बसी हुई है, कैलकुलेशन नहीं आती है। स्कूल में मैथ के पेपर चीटिंग कर करके पास किए हैं इसने। ये आ गया जी, कौन आए ना, ओसा 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 चल तड़ी मार, तड़ी मार दे, वीडियो उड़ा दे, तड़ी मार। इमर खान जो है वो घर चला गया है अपने। कासिम भाई जो है वो थोड़ा रोड तक गया, उसका काम है, लैपटॉप इधर ही है। आदिल भाई आया है काकू को लेके, प्यारी सी छोटी सी काकू लैपटॉप के साथ खेल रही है। मैं भी वीडियो एडिट कर रहा था, चाय लेके आया हूँ, साथ साथ चाय पीते हैं। काकू जा रही जी वापस, अभी इधर रोने लग पड़ी थी, तो आदिल भाई कहता है मैं इसको घर छोड़ के आता हूँ। ओके काकू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ओके जी अल्लाह हाफिज। ओके ओके दोस्त जो हैं वो चले गए हैं। मैंने अम्मी को बोला है चाय बना के दे, तो अम्मी कहती है चाय नहीं दूध पत्ती आपको बना के देती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, क्यों मैं अभी वीडियो वगैरह एडिट करूँगा, फिर अपलोड भी करनी है, साथ साथ दूध पत्ती पीते हैं। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ।